गाइस मेरे साथ है मेरा भाई लोकेश। हम जा रहे हैं अभी आमेर को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तुम्हारा भाई फिर से आज एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग बहुत अमेजिंग और खास होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन धरोहर से आप सभी को रूबरू करवाने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हो जयपुर की शान, आमेर का किला। जी हाँ दोस्तों, आमेर का किला आप मेरे पीछे देख रहे हो। इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री, सब कुछ इस ब्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो ब्लॉग को पूरा देखना, चलते हैं इसके अंदर, बताते हैं इसकी हिस्ट्री आपको क्या है। दोस्तों यही वो महल है जहाँ पर हमारी जोधा बाई का जन्म हुआ था। इसका निर्माण सवाई मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जो कछुआ वंश के थे। दोस्तों यही वो महल है जो अंग्रेजों के अधीन हो चुका था, उनका गुलाम हो चुका था। अभी लेकर चलते हैं आपको इसके अंदर और दिखाते हैं इसकी खूबसूरती के नज़ारे। सो गाइस अभी हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है, अभी हमें एंड तक जाना है। सो चलते हैं अब। यही राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बजाते हैं। आप सभी ने गदर मूवी तो सुनी होगी, उसकी ट्यून देख सकते हो आप। आमेर के पास ही में गांव है, यहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर हाथियों को पाला जाता है, इसलिए गांव का नाम हाथी गांव पड़ा है। और ये मात्र भारत में से गाइस चल रहे हैं। अभी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, इसके लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ। अभी सीढ़ियों पर चलते चलते हम थक चुके हैं और अभी हम खा रहे हैं चने। इधर मेरे साथ हैं लोकेश, हम दोनों खाएंगे चने, प्रोटीन, जिससे हमें एनर्जी भी मिलेगी। आमेर महल में स्थित शिला देवी का मंदिर, जो यहाँ के राजा थे सवाई मानसिंह, उनकी कुल देवी है। और राजस्थान के इतिहास में ऐसा कहा गया है कि जो शिला देवी का जो मूर्ति है वो कोलकाता से जो हमारे शासक थे वो यहाँ पर लेकर आए। गाइस अभी ले रहे हैं हम टिकट, लोकेश टिकट ले रहा है। टिकट गाइस 100 रुपये का, लेकिन अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो उसके लिए आपका ये टिकट 20 रुपीज़ का होगा। तो गाइस हमने ले लिया है टिकट और चलते हैं महल के अंदर, आपको दिखाते हैं महल कैसा है अंदर से। बहुत मजा आने वाला है आज के इस ब्लॉग में। गाइस अब चलते हैं आमेर के महल में, जो ये रहा। पहले दिखाने वाले शीश महल कैसा है अंदर से, चलिए मेरे साथ। आमेर के लेके अंदर एक भूलभुलैया जिसके अंदर हम फंस चुके हैं, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा बाहर जाने का, समझ नहीं आ रहा यार किधर चले। देखते हैं वो नीचे जाने का रास्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा, और हम लोग ये कहाँ गए गाइस, रास्ता ही नहीं मिल रहा यार। शायद इधर से रास्ता मिलेगा। आमेर किले के अंदर भूलभुलैया में तो घूमने का मजा ही है। अरे तो रास्ता ही नहीं है यार, किधर चले यार, रास्ता नहीं मिलता है यार। गाइस देखो इधर से होके जाना पड़ रहा हमें। भैया किधर आ गए, अरे अच्छा इधर से तो आया भी। तो गाइस ये है मानसिंह महल जो आप देख पा रहे हो, पूरा ये मानसिंह महल है। इसमें रहा करते थे हमारे जयपुर के राजा सवाई मानसिंह। गाइस अब आपको लेकर चलते हैं सुरंग में, जो आमेर फोर्ट में है। गाइस ये है जेल, इसमें कैदी होते थे, उनको इस जेल में रखा जाता था। चलते हैं गाइस आगे की तरफ, देखते हैं कुछ नया देखने को मिलता है नहीं यहाँ पर। गाइस एंजॉय। गाइस ये है कैदी खाना, जिसमें राजा अपने कैदियों को रखते थे, आप देख सकते हो। सो गाइस
वहाँ पर बोर्ड लग रहा था कार्य प्रगति पर है, मना था अंदर ना, लेकिन हम आप सबके लिए अंदर आ चुके हैं। हम दिखाई होटल गाइस बहुत गंदी स्मेल आ रही है इधर एक्चुअली, लेकिन अबे गाइस चमकादड़ी चमकादड़ी दे दो, ये देखिए। अरे रहने दो ओए ओए रहने दे यार, कि नहीं चले यार, बंद कर दे, नो एंट्री। ये है कठपुतली डांस जो आप देख पा रहे हो। कितना प्यारा है कठपुतली डांस, जो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ राजस्थान में आपको ये कला देखने को मिलेगी। भैया ढोलक वादा कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। अब हम कर रहे हैं एग्जिट। गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना, लाइक दबा के लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी।